45 का आंसर बना ए। 45 के बाद 46, विच स्टेटमेंट अबाउट डेबिट नोट इज करेक्ट, डेबिट नोट के बारे में कौन सी बात सही है। यार देखो डेबिट नोट क्या होता है, हमने पहले बात की थी, अगर कस्टमर हमें फॉल्टी गुड्स वापस करता है तो कस्टमर हमें देता है डेबिट नोट, बदले में हम सप्लायर को क्या देते हैं, क्रेडिट नोट। ऐसे ही हम कस्टमर अगर हैं और हम अपने सप्लायर को गुड्स रिटर्न करेंगे तो हम अपने सप्लायर को क्या देंगे, डेबिट नोट, और बदले में हमारा सप्लायर हमें क्या देगा, क्रेडिट नोट। लेकिन डेबिट नोट ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसलिए हो कि हम डैमेज गुड्स वापस करें। डेबिट नोट का एक और भी रीज़न हो सकता है, आगे आएगा इसका भी क्वेश्चन, अगर सप्लायर ने हमें ओवर बिलिंग कर दी, ओवर चार्ज कर दिए। फॉर एग्जाम्पल हमारी डील हुई थी 1000 में और बाद में जब उसने माल भेजा तो बिल लगा दिया 1200 के हिसाब से, तो क्या हम शराफत से पैसे दे देंगे 1200? नहीं, हम बोलेंगे भाई हमारी आपकी बात हुई है 1000 में, आप जो है वो बात से फिर रहे हैं तो हम आपको 1000 से ज़्यादा नहीं देंगे। तो जो 200 उसने हमें ज़्यादा बिलिंग की हम उसको क्या दे देंगे, 200 का डेबिट नोट। तो डेबिट नोट इसलिए भी होता है कि आप सप्लायर अगर आपको ज़्यादा बिल भेज दे तो आप अपनी लाइबिलिटी को डेबिट करते हैं। तो अब यहाँ पढ़ते हैं कौन सी बात डेबिट नोट के बारे में से, इट इज़ सेंड टू अ कस्टमर। डेबिट नोट कस्टमर को नहीं भेजा जाता, सप्लायर को भेजा जाता, सही है ना। डेबिट नोट कस्टमर को कभी नहीं भेजते, सप्लायर को। सप्लायर को क्यों भेजते हैं, टू ऑर्डर एडिशनल गुड्स, नहीं, व्हेन डैमेज गुड्स आर रिसीव, या तो डैमेज गुड्स रिसीव हो या तो सप्लायर ने हमें ओवर बिलिंग कर दी है तो भी हम उसको डेबिट नोट दे सकते। डेबिट नोट